आज मैंने बनाया फिश फ्राई, तो मैं बंगाली मार्केट से ये तिलापिया फिश लेकर आई। पहली बार मैं इसे बना रही हूँ। खैर मेरा ज़्यादा अच्छा इसका रिव्यू नहीं है, मुझे ये फिश ज़्यादा पसंद नहीं आई। आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने नमक, मिर्च, नींबू, रोज़मेरी थोड़ा सा और गार्लिक पाउडर यूज़ किया। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स किया। खैर दुकान वाले भैया ने मुझे बोला था कि इसमें एक कांटा निकलेगा, मगर मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा कांटे लगे और टेस्ट भी सब मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अंदर बाहर सब तरफ से लगा देंगे पूरा मसाला और 10 से 15 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करने को छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट काफ़ी हैं, उसके बाद अब मैं इसे बेक करूँगी, यानी कि ग्रिल करूँगी, सॉरी बेक नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा ग्रिल करने के लिए लगा दिया है, 200 डिग्री सेल्सियस पर लगाया था, 20 से 25 मिनट ग्रिल करा है। काफ़ी अच्छे से ये रेडी हो गई है। आप लोग चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, खैर मुझे ऑयल फ्री ऑप्शन चाहिए था तो मैंने इस तरीके से इसको रेडी कर लिया। और ये देखिए कितनी अच्छे से एकदम रेडी हो गई है अंदर तक, और टेस्ट में तो ये लाजवाब थी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।